अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.8। ठीक है, एक्सरसाइज 8.8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, दो वैल्यूज से भी हमने किया, थ्री वैल्यूज से भी किया, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज है, फोर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एल एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एक्स माइनस एल वाई। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमने एक गेम क्वेश्चन लिखा, एल एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एक्स माइनस एल वाई। अब इसको अरेंज ऐसे करना है कि हमारे पास इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी में से कॉमन लें तो हमारे पास वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि हम कॉमन ले सकें, मीन कि एक में जेड है तो दूसरे में भी जेड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरह अब मैंने देखे यहाँ पे इसको अरेंज किया, एल एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई प्लस माइनस एम वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाले को देखें, एल एक्स प्लस एम एक्स, इन दोनों में कौन सा ऐसा हमारे पास लेटर है जो कॉमन है। ठीक है, एल ऐसा है कि फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, एम है कि सेकंड में फर्स्ट नहीं है, एक्स है हमारे पास जो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, एक्स ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रह गया, एल प्लस एम। ठीक है, देन माइनस, अब यहाँ पर देखें एल वाई माइनस एम वाई, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेटर कॉमन है, देखें एल वाई माइनस एम वाई वाई। ठीक है, वाई दोनों में है तो वाई कॉमन ले लिया माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट्स है ना, ठीक है, उसमें सेम साइन और सेम एलिमेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस डाला, हमें इन दोनों को सॉल्व, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला साइन आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एल प्लस एम, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कॉमन आ गए। ठीक है, ये चीज़, अगर ये चीज़ सेम ना आए तो मीन्स के इट्स रॉन्ग। अब जो कॉमन है उनको एक टाइम लिखा, बाकी एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, टू एक्स वाई माइनस सिक्स वाई जी प्लस एक्स माइनस थ्री जी, सॉल्यूशन देन अगेन क्वेश्चन। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मुझे इसके फैक्टर्स बने हुए थे, ठीक है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स अगेन नहीं बनाए। टू एक्स वाई माइनस सिक्स वाई जी में क्या कॉमन है हमारे पास, एक तो हमारे पास वाई कॉमन है, दूसरा टू टाइम्स टेबल। ठीक है, टू का टेबल हमारे पास कॉमन है, टू वन ज़ार टू एंड टू थ्री ज़ार सिक्स। ठीक है, टू एंड सिक्स दोनों हमारे पास टू के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, टू वाई कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। ठीक है, टू वन ज़र टू, ठीक है, वन अगर ना भी मेंशन करे तो इट्स ओके। ठीक है, मेंशन नहीं करते, सिर्फ एक्स है, इसका मतलब यही है कि वन एक्स है हमारे पास। सेकंड थ्री थी, टू थ्री दर सिक्स, जी आ गया, वाई हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखें, अब हम कौन सा नंबर लेके हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या था, प्लस वन। ठीक है, प्लस वन हमारे पास एक्स माइनस थ्री जी अंदर हमारे पास आ गया, अब दोनों में कॉमन है, वो वन टाइम वो लिखा, टू वाई प्लस वन सेकेंड में हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सेवन ए बी माइनस सेवन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देन अगेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन से क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सेवन ए बी माइनस सेवन। ठीक है, अब ये अरेंज है हमारे पास, यहाँ देखिए ए बी हमारे पास, यहाँ पे ए का स्क्वायर है लेकिन वहाँ पे ए बी है। ठीक है, ए वन है हमारे पास तो हम स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, हम ए बी कॉमन लेंगे। ठीक है, हमने ए बी कॉमन ले लिया, देखें यहाँ से हमने ए बी कॉमन लिया। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास एक रह गया जो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, प्लस सेवन, क्योंकि ए बी कॉमन आ गया तो वो बाहर चला गया। ठीक है, सेवन हमारे पास आ गया, इधर देखिए माइनस वन ए बी प्लस सेवन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिंपल वही वैल्यू है तो माइनस वन हमारे पास आएगा। अब ए बी प्लस सेवन ए बी माइनस वन। ठीक है, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, थ्री मैंने आपको करवाए हैं, 9 रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है,